हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने परिवार अभ्युदय अकेडमी में स्वागत है। मैं विश्व वर्याज हिंदी भाषा के थर्ड टेस्ट जो BA LLB LLB और अन्य कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। आइए चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हिंदी भाषा हिंदी की पहली पत्रिका कौन सी है? बनारसी अखबार है, उदन माटन है, बाल बोधनी है, बंगदूत है। ऑप्शन नंबर बी उदंत मार्टन हिंदी की पहली पत्रिका है और हिंदी क्षेत्र में प्रकाशित होने वाली पहली पत्रिका बनारसी अखबार है जो कि आपके बनारस से निकलती थी। बाल बोधनी किसकी पत्रिका है और बंगदूत किसकी पत्रिका है, इसको आप कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर दें। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। पापी मनोज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं, इस काव्य पंक्ति में अलंकार है। इस काव्य पंक्ति में आपका विरोधाभास अलंकार है। चक्रपाण में कौन सा समास है? चक्रपाण इसके हाथ में चक्र हो अर्थात विष्णु भगवान, तीसरे का जा रहा है बोध, यहाँ पर आपका बहुव्रीहि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सूक्त का संधि विच्छेद साधन उक्ति सुधन उक्ति सुधन उक्ति सुधन युक्ति। ऑप्शन नंबर बी सुधन उक्ति कौन सी संधि है बताइए आप सभी। मम शब्द है, संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है, आदि सर्वनाम दिया गया है। मम जो शब्द है ये आपका सर्वनाम है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। यूनिवर्सिटी शब्द है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, पुल्लिंग है, आपका यूनिवर्सिटी पुल्लिंग है। हल्दी का तत्सम शब्द होगा हल्दी, हरिद्र, हरिद्रा, बैन। हरदी का तत्सम शब्द होगा ऑप्शन नंबर सी हरिद्रा। निम्न में से कौन सा तुर्की शब्द नहीं है? कैची, बेगम, सौगात, ये तीनों आपके तुर्की शब्द हैं। देहात आपका फारसी शब्द है। प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? पर, प्रा, प्रत्य, प्रति। ऑप्शन नंबर डी प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध, भय, विस्मय, जुगुप्सा। ऑप्शन नंबर डी जुगुप्सा इसका स्थायी भाव। अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, प्रिय प्रतिभा मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है? इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है? यहाँ पर आप पढ़ने से पता चल रहा है कोई खो गया है उसके याद में बोल रहे हैं, मतलब करुण शोक नामक स्थायी भाव है। यहाँ पर शोक नामक स्थायी भाव भाव शोक नामक स्थायी भाव किस रस का है, वो करुण रस का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। एक पंथ से दो काज निकाल लेना, एक मतलब पहला ऑप्शन है एक काम से दूसरा काम हो जाना, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, काम ना जानना और बहाना बनाना, अकेले ही सब कुछ कर लेना। ऑप्शन नंबर एक एक काम से दूसरा काम हो जाना। क्वेश्चन नंबर 13, अपना उल्लू सीधा करना, दूसरे का काम करना, अपनी बढ़ाई खुद करना, अपना काम निकालना, परेशान करना। ऑप्शन नंबर सी अपना काम निकाल लेना, मतलब अपना उल्लू सिद्ध कर लेना। जहाँ नदियों का मिलन हो के लिए एक शब्द है सम्मेलन, संगम, समागम, समसामयिकी। ऑप्शन नंबर बी संगम। चिरंजन का विलोम शब्द है निश्चल, सात्विक, स्वच्छ, नस्वर। ऑप्शन नंबर डी नस्वर।
सहयोगी का विलोम शब्द है। ऑप्शन एक परियोगी, वियोगी, प्रतियोगी, योगी। ऑप्शन नंबर सी प्रतियोगी। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है वसन, पट, अंबर, अंशु। ऑप्शन नंबर डी अंशु। अंतरिक्ष पर्यायवाची शब्द है। किसका पर्यायवाची शब्द है? आकाश का है, आनंद का है, आह का है कि कुबेर का है? ऑप्शन नंबर ए आनंद का, आकाश का है। ग्रामीण में प्रत्यय है मीण है, ड़ा है, ईड़ है, ईन है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ईड़ नहीं है, क्योंकि ग्रामीण होता है फिर उसमें लगता है सूत्र, नाका अड़ा बनता है। एक प्रत्यय से बना शब्द है लौकिक, फलित, वासुदेव, कर्मनिष्ठ। एक लगा है ऑप्शन नंबर एक में लौकिक में। शुद्ध शब्द है अत्यधिक, अत्याधिक, आशीर्वाद, विहंगनी, अत्यधिक। आशीर्वाद शुद्ध लिखा जाएगा, ऊपर वाला रहा इसमें लगेगा, विहंगनी नहीं होता, विहंगी होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। गीतावली किसकी रचना है? गीतावली तुलसीदास की रचना है। निम्न में से किसका उच्चारण स्थान दंतोष्ट है? या का है, शा का है, ऊ का है कि वा का है? ऑप्शन नंबर डी वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ट है। और इन तीनों का उच्चारण स्थान क्या है उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। कौन से प्रकार का पत्र भारत सरकार के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों के बीच प्रचलित है? परिपत्र बोलते हैं, ज्ञापन बोलते हैं, अधिसूचना बोलते हैं कि अनुस्मारक बोलते हैं? आपको इसका ज्ञापन बोलते हैं। अधिसूचना मतलब नोटिफिकेशन। राजस्थानी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ये आपकी सौसेनी ही अपभ्रंश से विकसित हुई है। माघली से विकसित होने वाली कौन सी भाषा है? एक किसी एक भाषा का नाम लिखिए। ठीक है, आपके 25 क्वेश्चन टेस्ट नंबर 3 के कंप्लीट हो चुके हैं हिंदी के। हिंदी का एक टेस्ट और आएगा कल शाम तक। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अभी एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ।